भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्यसभा चुनाव के मतदान की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए कांग्रेस और बीजेपी की ओर से दो दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी चुनाव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत चुनाव मैदान में है। संख्या बल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 2 सीटों का संख्या बल है। 3 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में 2 सीट कांग्रेस के खाते में है, तो वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन जिस रणनीति के तहत बीजेपी की ओर से 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, उसके बाद चुनाव रोचक हो गया है। हालांकि कांग्रेस भी अपने विधायकों पर पैनी नजर रखे हुए है। चुनाव तारीख के ऐलान के साथ ही अब दोनों दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस भी मतदान से 1 दिन पूर्व प्रशिक्षण कैंप आयोजित करेगी, जिसके माध्यम से सभी विधायकों को मतदान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और अधिक बातचीत के लिए महेश जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर देखिए, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या तैयारी पार्टी की है? तैयारी पूरी है। ये एक ऐसा चुनाव होता है जिसके अंदर कोई विशेष अब नई को तैयारी नहीं करनी, हम पहले से तैयार है। आपको पता है दिखा से वोटिंग होती है जी, विधायक जिस पार्टी के होते हैं वो उस पार्टी के प्रतिनिधि को दिखा के वोट दिया करते हैं जी। इसलिए किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। बेहतर तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, क्योंकि उनके पास संख्या बल कहीं आसपास ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र उनका फैसला जो करने को अधिकृत है जी। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ हमारी 2 सीट क्लियर है, 1 भारतीय जनता पार्टी की क्लियर है, इसमें किसी को शक शुभ नहीं होना चाहिए। सर देखिए, कांग्रेस के जो असंतुष्ट और निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी को उम्मीद है कि उनके वोट मिल सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ये इसमें जो वोटिंग होता है इसमें पार्टी का व्हिप लागू होता है जी। किसी भी पार्टी के विधायक हो उनको अपने पार्टी के व्हिप को मानना होता है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, जिस हेलो जी जी जिस असंतोष की आप बात करें, मुझे कहीं ऐसा कोई असंतोष नजर नहीं आता। जो बातें हैं कोई अगर आपके पास कोई सूचनाएं आई हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं। बिल्कुल सर, देखिए मतदान से पहले किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि कई विधायक पहली बार जीत कर आए हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां होंगी? ये सामान्य प्रक्रिया है, हर पार्टी ऐसा करती है। विधायक नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर वोट देना एक टेक्निकल काम है। किस तरीके से लिखना है, कहाँ लिखना है, उसी पेन से लिखना है जिस जो पेन वहाँ उपलब्ध कराया जाए, वोट दिखाने से वोट को मतपेटी में डालने से पहले दिखाना होता है, तो ये सारी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया है। सर ये बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के जो असंतुष्ट और निर्दलीय विधायक हैं उनके वोट मिलेंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी का दावा। मतलब बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करने को तैयार है वो जी। अगर वो इस तरह के दावा कर रहे हैं जी तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार है वो, और हम भी तैयार है कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। बिल्कुल महेश जोशी जी, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी, हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और दोनों ही पार्टियां जो हैं वो जीत का दावा यहां पर कर रही हैं। कांग्रेस और भाजपा राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। चलिए फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। जी नमस्कार। सर देखिए, राज्यसभा चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हो चुका है, किस प्रकार की तैयारियां पार्टी की? पार्टी तो पहले से ही तैयार थी, बीच में कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसका असर हुआ जी, और हमारी तो जो पहले हम लोग कह चुके हैं जो कर चुके हैं वही रणनीति है, उसी पे हम लोग कोशिश करेंगे जी। जो हमारे सिंगल प्रेफरेंस के वोट हैं वो मेजोरिटी के हिसाब से राजेंद्र गहलोत जी को जाएंगे, दूसरे जो हमारे ओंकार सिंह लखावत दूसरे कैंडिडेट हैं जी, जो स्पेयर वोट होंगे वो उनको मिलेंगे। उसके बाद बाकी लोगों को हमने सामान्य अपील की है कि जो इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट्स हैं, दूसरे छोटी पार्टियों के लोग हैं जी।
सर देखिए, आप ये कह रहे हैं कि निर्दलीय और जो असंतुष्ट कांग्रेस के विधायक हैं वो साथ आएंगे, लेकिन महेश जोशी जी का यहाँ पर ये कहना है कि बीजेपी जो है अपनी रणनीति में यहाँ पर कामयाब नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले से ही कहते आए हैं संख्या का गणित कांग्रेस के पक्ष में जी, और हमने तो एथिकली हमारे जो स्पेयर वोट थे वो हमें बजाय उसको करते हम अपने वोट अपने कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को डलवाएंगे, उसके बाद जो कोई एडिशन होता है वो हमारे लिए पर्याप्त संतोषजनक है जी। कितनी उम्मीद आपको है, क्योंकि देखिए संख्या बल की तो कमी है ही? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कितनी का तो कोई बैरोमीटर नहीं है, हमने कोशिश की है तो देखते हैं जी। बिल्कुल सतीश जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर कर रही हैं। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भाजपा जुट चुकी हैं, देखने वाली बात यह होगी क्योंकि चुनाव मैदान में कांग्रेस बीजेपी के दो दो प्रत्याशी यहां पर हैं, संख्या बल की है वो कमी यहां पर बीजेपी के पास है।